अस्सलामुअलैकुम गाइस। बेटा हुआ है, आप सब भी मुबारकबाद दीजिएगा। सुबह 7:30 बजे आए, फिर के लग गई है भूख गर्मी में, तो होटल ले गए। इस खाना भी आ गया है कि यहाँ पे दाल आती है, शुरू करेंगे चिकन रोस्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक नया दिन, एक नई आगाज़, और फिर दोबारा वही आप पुराना अक्सर आए पाती। आज फिर जा रहे हैं किमले के लिए, किमले के लिए तो नहीं, खैर नफूस के लिए जा रहे हैं। मैं और बट साहब, बट साहब मसूर हैं दावतें देने में। माशाल्लाह बट साहब का बेटा हुआ है, आप सब भी मुबारकबाद दीजिएगा बट साहब को। तो जा रहे हैं दोबारा नफूस करवाने, मेट्रो के सीन भी देख लें आप। ये वही पटरियाँ हैं जो हमारे पाकिस्तान होती हैं। आज फिर जलाला प्रोग्राम हुआ है यार, क्या बताएं आपको। 12:30 बजे तक में पहुंच गए थे, तो आज भी वो कह रहे हैं कि जी आप लोग लेट हैं, ठीक है। कल सुबह 7:30 बजे आए, फिर के लग गई है भूख गर्मी में, तो होटल पे आए खाना खाने। खाने के सीन भी आपको दिखाते हैं। ले जी, जैसे पाकिस्तान में स्टार्टर सलाद आती है, यहाँ पे दाल आती है शोरबे के साथ। ये पापड़ टाइप की कोई चीज़ है, ये अरबिक रेस्टोरेंट है। बट साहब यहाँ लेके आए हैं, इन्होंने पहले यहाँ खाना खाया है, मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। चेक करते हैं टेस्ट, चेक करके आपको बताते हैं। ले जी, शोरबे का टेस्ट स्टार्ट करने लगेंगे। साथ नींबू है, इस पर नींबू निचोड़ कर बकौल बट साहब के कि जो ना ये शोरबा बहुत मज़े का होता है, इनका टेस्ट करने लगे हैं। जैसे पाकिस्तान में पीली दाल और चावल मिलते हैं ना, मुझे उस दाल का नाम नहीं पता, मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ किस तरह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं 10 out of नंबर दूँ उसको, तो आई थिंक 8.5 या 9 देना चाहिए। बहुत टेस्टी शोरबा है। अभी तक के मैंने जितने भी शोरबे पिए हैं उनमें से आई थिंक सेकेंड नंबर पे ये शोरबा है जो मुझे पसंद आया। ले गाइस, खाना भी आ गया है। राइस के ऊपर चिकन है, ये नीचे राइस हैं येलो कलर के, और ये ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट के साथ बन है, वो सैलड है बट साहब ने मंगवाई है, तभी दिया है साथ लोगों ने। ये कुछ सॉस अचार है इनका, और ये सॉस है, और ये फ्राइज हैं साथ। अब हम टेस्ट करेंगे चिकन ब्रोस्ट देसी स्टाइल में। ये हमने रोस्ट का एक पीस ले लिया है, साथ बन है जो उन्होंने दिया है, और ये साथ उन्होंने सॉस दिया इसके। ये वाइट सॉस है, पता नहीं किस चीज़ का है, और ये नहीं मुझे पता। ये भी हम फ्राई कर रहे हैं। वैसे तो अरबिक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे स्पाइसेस आपको मिलेंगे नहीं, ये बात तो गारंटेड है। तो कोई ख़ास स्पाइसी नहीं है। सलाद जो व्हाट्सअप खा रहे हैं, इस ब्रोस से ज़्यादा अच्छी मुझे सलाद लगी, यकीन करें। हम अब ये राइस टेस्ट करने लगे हैं। ये एक पीस हम शोरमे का चिकन लेते हैं, थोड़े से इसमें राइस रखते हैं, और ऊपर से रायता ऐड करते हैं, और फिर हम बाइट बना के ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस का तो इतना ख़ास फ्लेवर नहीं आया, बट चिकन अच्छा टेंडर हुआ हुआ है, और मसाले भी ना ज़्यादा स्पाइसी हैं और ना ज़्यादा कुछ लाइट स्पाइसेस हैं, नॉर्मल है। ले गाइस, ज़रा उठा के आ गए हैं घर पे, तो अब मैच लगा लिया है। मैं आज का ब्लॉग होता है ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड विद हमज़ा मीर, एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा।